बगल से एक रास्ता गया है, यहाँ से भी हम पहाड़ पे चढ़ सकते हैं और ये सीधा एक रास्ता गया है, इधर भी एक रास्ता, यहाँ पे पुराने पुराने खंडहर टाइप के कुछ घर बने हुए हैं जो कि बहुत ही पुराने लग रहे हैं। और बाकी अभी आगे आगे देखते हैं कैसा क्या है, क्योंकि मैं खुद ही काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आई हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत हरियाली है, बहुत ही यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप पॉल्यूशन फ्री रह सकते हो, यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, आप फुल इंजॉय कर सकते हो, बढ़िया झरना है, अभी आपको आगे झरना भी दिखाती हूँ, ठंडा ठंडा पानी। आगे बस चलते जाइए चलते जाइए। हमारे फ्रेंड पूछ रही हैं दोस्तों कि ये आइडिया कैसे आया मुझे वीडियो बनाने का, बस आ गया कैसे वीडियो बनाना है। अंदर उधर का भी देखिए गाइस, इधर का भी आप व्यूज दे सकते हैं, ये देखिए बहुत पुराने घर वहाँ पे बने हुए खंडहर टाइप के, जो कि इनको देखने से लग रहा है ये काफ़ी पुराने होंगे, और यहाँ पे ऑलमोस्ट पत्थर के घर बने हुए हैं, देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, आप सब देख सकते हैं कि ये पत्थर कितने बड़े बड़े हैं, प्रॉपर लकड़ियाँ हैं, इन पत्थरों को तोड़ के बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाई जाती हैं जो यूज़ होता है। यहाँ पे लोग छप्पर का घर बनाए हैं और बकरी पालन मुर्गी पालन भी ये लोग कर रखे हैं, देखिए कितना प्यारा यहाँ का व्यू है, यहाँ के घर कितने खूबसूरत छोटे छोटे घर बहुत, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। गर्मी भी बहुत लग रही है, पसीना खूब आ रहा है। बाकी आगे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आगे का जो है गाइस देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप लोग देखे हैं, आप लोग कभी गए हैं इतने ऊंचे पहाड़ पे घूमने, आप लोग तो दूर दूर जाते होंगे शिमला मनाली, पर ये पहाड़ हमारे घर के बहुत नज़दीक है। ये देखिए गाइस यहाँ पे घर भी बने हुए हैं जो कि हट के हैं यहाँ के घर, पहले यहाँ पे हमको लग रहा पहले यहाँ पे इतने घर नहीं बने हुए थे, अब जाके बने हुए हैं, हाँ पहले नहीं थे इतना, जैसे यहाँ पे गाइस माओवादी लोग आए थे और ये सारे घर ये लोग तोड़ गए थे, तब से यहाँ पे घर बना नहीं था, अब जाके बनना शुरू हुआ है, अभी हमारी फ्रेंड जैसा कि बताई हैं। आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें, अभी मेरा चैनल नया है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मेहनत करती हूँ और आप लोगों को पूरा यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाती हूँ, स्पेशली मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं यहाँ का वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ और आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखा सकूँ। आप लोग यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है ये, आप लोग आएँगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप सबको यहाँ पर, देखिए कितने ये रास्ता बहुत ही लंबा है, अभी बहुत चलते जाना है, देखिए भगवान भोलेनाथ का मंदिर कितना प्यारा मंदिर बनाया गया छोटा सा, ओह माय गॉड बहुत ऊंचाई है ये तो, चढ़ चढ़ के आज हालत खराब होने वाली है यहाँ पे, नहीं मैं जाऊंगी मैं चढ़ूंगी, मैं अपने सब्सक्राइबर को दिखाऊंगी सभी को कि मैं पहाड़ चढ़ी हूँ, आप लोग बस देखते जाइए गाइस, इतना
पहाड़ चढ़ने के बाद तो बस क्या हालत होगी देखते हैं यार, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं जाऊंगी आपन जाना तुम्हें भी चढ़ाऊंगी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने पुराने दोस्तों से काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ। गाइस हम सब आए हैं साथ में घूमने के लिए, तो इस बात की भी खुशी है। दूसरा मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग होगा। वैसे तो मैं कॉमेडी या फनी वीडियोस पे अपना रिएक्शन ही देती थी, लेकिन ये मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग है जो कि मैंने खुद शूट किया है एक नेचुरल वे में। माय गॉड और कितना चलना पड़ेगा, ये देखिए अब आप लोग करीब से देखिए। वैसे तो मैं अपना कैमरा लाना भूल गई हूँ, बट मैं फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ गाइस, तो प्रॉपर तो नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। जितना भी मैं दिखा सकती हूँ यहाँ का व्यू तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे पहाड़, यहाँ के जो पेड़ हैं जब आप दूर से देखेंगे तो इतने छोटे छोटे लगेंगे, और अभी हम लोग जितने पास आते जा रहे हैं पेड़ उतने ही बड़े होते जा रहे हैं, एकदम चट्टान जैसे पहाड़ हैं। ओ माय गॉड, यहाँ के पहाड़ों पे भी टावर लगे हुए हैं। हम लोग आगे देखते जाते हैं आगे क्या क्या मिलता है। दिखाऊंगी यहाँ का झूला जो कि नदी के बीच में है। चलते जाओ देखिए कितने सारी यहाँ पे गिट्टियाँ हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पत्थर ही हैं, ढेर सारे दिन सभी को पत्थर की जरूरत है, वो यहाँ पे आए और पत्थर लेके जाएं और पत्थरों का उपयोग करें। ये हनुमान जी का मंदिर है। जय श्री राम। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये बालाजी का मंदिर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और हनुमानगढ़ी मंदिर है। हमें लगा था ये नया बनाया भी है, पुराना है काफ़ी नहीं। हाँ ये कुछ पुराना है बट उतना पुराना भी नहीं है। तो जय श्री राम, जय बालाजी। दर्शन करने और चले गढ़वा गांव पालिका। तो ये दोस्तों ये मंदिर है, और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ, और ये हैं हमारे बालाजी। जय श्री राम, जय बालाजी। प्रभु बस अपनी कृपा बनाए रखो सभी पे, इतनी सी कृपा करो कि सब खुश रहे और सभी का जीवन अच्छा हो, कष्ट दूर रहे। तो बालाजी के दर्शन मैंने कर लिए हैं गाइस। देखिए मंदिर कितना प्यारा मंदिर है, अंदर सिंपल में है बट बहुत प्यारा लग रहा है। ओम हनुमते नमः। तो जैसा कि बाबा ने कहा, बाबा यहाँ आइए। बाबा ये मंदिर कितना साल पुराना है? ये 3 साल से ज्यादा हो गया। जैसा कि दोस्तों आप सब सुन रहे हैं कि बाबा बता रहे हैं कि ये मंदिर 3 साल पुराना है, और ये मंदिर बहुत ही यूनिक लग रहा है। क्यों बाबा, काफी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते होंगे? सबसे पुराना मंदिर यही है। अच्छा। तो जी दोस्तों बाबा बता रहे हैं कि कोयला वास का सबसे पुराना मंदिर यही है। और बाबा आप यहाँ पे कब से रहते हैं? हमारा जन्म कर्म ये गांव इस मंदिर में हमारा 3 पुस्तक भी थी। ओ माय गॉड। तो दोस्तों आप तो देख सकते हैं कि ये बाबा इनका 3 पुस्त यहाँ पे बीत चुका है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं, इनका जन्म कर्म बुढ़ापा सब यहीं पे बीत गया। आइए बाबू जी का लगा जी। चलिए बाबा जी बहुत अच्छा लगा बाबा के दर्शन करके और बाबा से मुलाकात करके। अभी मैं जूता पहन लूँ, भाई मंदिर में जूता पहन के नहीं जाया जाता है, तो पहले मैं जूता पहन लेती हूँ। बाबा बस एक मिनट रुकिए, टीका जरूर लगवाएंगे। ठीक है, टीका लगा।
बस एक मिनट, हम भी आ रहे हैं। मेरा चेहरा एकदम पसीने से लथपथ है, बट कोई नहीं, मैं वीडियो शूट करूंगी तो करूंगी। बाबा लीजिए लगाइए, बाबा आशीर्वाद दीजिए।